Hello friends, it's Shivangi Maheshwari here and I am here to teach you Composite Mathematics Revised Edition Class A. Today's topic is from exercise 9, from chapter 9 and exercise 9A. 9A के हमारे कुछ questions रह गए थे, हमने लगभग question 4 तक I think कर लिया था complete. हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक 9A का कंप्लीट कर लिया था. अब हम 9A के जो MCQs रह गए हैं आज हम उन्हें देखते हैं. तो 9A के सम MCQs बस ज्यादा नहीं है, दो है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है. तो हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखते हैं. देखिए क्या है इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे लिखती हूं. क्वेश्चन नंबर 5 अब दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 4% पर एनम. क्या बोला जा रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 4% पर एनम. पर एनम यानी कि एक साल के हिसाब से 4% पर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है. हम इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 4% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज 80 रुपीस. तो देखो क्या दे रखा है हमें इसमें, 4% पर एनम. तो मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपको जो भी चीज परसेंटेज में दे रखी हो वो हमेशा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. क्या होता है आपका, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो परसेंटेज में आपको 4% पर एनम के हिसाब से यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, फॉर 2 इयर्स. इयर्स से आपको पता चल रहा है, यहां ये क्या दे रखा है, टाइम है, 2 इयर्स है हमारा टाइम. हमें जो टाइम दे रखा है वो 2 इयर्स दे रखा है. फॉर 2 इयर्स इज 80 रुपीस. यहां जो 80 रुपीस है वो 80 रुपीस आखिरकार है क्या, वो 80 रुपीस है हमारा सिंपल इंटरेस्ट. शुरू में ही क्वेश्चन में बोल दिया गया था 4% पर एनम के हिसाब से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीस है. तो यहां पर एसआई हमारा क्या हो जाएगा, 80 रुपीस. इतना आपको क्लियर है. हमें इस क्वेश्चन में क्या-क्या दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है और हमें सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीस भी दे रखा है, ठीक है. देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ द सेम पीरियड इज. तो हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, सेम टाइम के लिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, सेम प्रिंसिपल के लिए. देखिए अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे आपको यहां सिर्फ 3 चीजें दे रखी हैं, आरटी और एसआई. इस क्वेश्चन में पी तो है ही नहीं, तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले पी नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि अब हमें पी निकालना है. और दूसरी बात ये, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको क्या-क्या चीज की जरूरत होगी. कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं. आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैंने आपको कुछ टाइम पहले लगभग 1 महीना हो गया होगा, ये वीडियो हमारी जो आई है वो 1 महीने बाद एप्रोक्सीमेट आई है, बिकॉज़ ऑफ सम इश्यूज आई कैन नॉट अपलोड द वीडियोस. सो लेट्स सी, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले अमाउंट की भी तो जरूरत होगी. अब हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको अमाउंट का फार्मूला बताया हुआ था, अमाउंट बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन या टी. यहां पे टी भी लिख सकते हैं, हम एन भी लिख सकते हैं. अमाउंट जब भी हमें सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो सबसे पहले एट द फर्स्ट टाइम हमें अमाउंट फाइंड करना होगा. तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें पी की जरूरत होगी. इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें पी की जरूरत होगी. इस क्वेश्चन में तो हमारे पास पी है ही नहीं, तो हम पी कैसे फाइंड करेंगे. तो पी हम इस फार्मूले से, यानी कि जो हमें चीजें दे रखी हैं उससे हम पी फाइंड कर लेते हैं. तो पी हमारा क्या फार्मूला होता है, एसआई इक्वल टू पी इनटू आर इनटू टी अपॉन 100. यही तो फार्मूला होता है हमारा एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा यही तो फार्मूला होता है. ये बात सब बच्चों को क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला क्या होता है. ओके अब क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला यही होता है. प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा है, हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे. जो जो हमें गिवन होता है उससे हम बाकी की सारी चीजें आसानी से फाइंड कर सकते हैं. आर हमारा 4% और टी हमारा 2 इयर्स के हिसाब से 2 दे रखा है, ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है 100. आप यहां देखेंगे ये 80 है,
मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से, बहुत ही ज्यादा पहले से क्लियर कर रखा है कि जब कोई चीज इक्वल के एक साइड में डिवाइड में होती है तो वो अदर साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है। जैसे यहाँ डिवाइड में है 100, तो यहाँ 100 जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और 4 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आकर डिवाइड में हो जाएंगे, यानी कि 4 2 जा 8 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा पी फाइंड हो जाएगा, 8 की टेबल में 80 आता है हमारा 10 टाइम्स, तो पी हो गया हमारा 1000, हमारा पी निकल आया 1000 रुपीज। इतना क्लियर है, हमारा पी आ गया इस क्वेश्चन में। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सी आई फाइंड करना है। और सी आई फाइंड करने के लिए हमारे पास सी आई कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। इतना तो क्लियर है ना आप सब बच्चों को कि सी आई का एक फॉर्मूला होता है सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। अब देखिए आपको पी तो है, अब आपके पास पी आ गया सी आई निकालने के लिए, बट आपके पास ए नहीं है। तो चलिए अब हम अमाउंट भी फाइंड कर लेते हैं अमाउंट के फॉर्मूले से। पी हमारे पास है 1000, ठीक है, इतना क्लियर है। 1 प्लस आर है हमारे पास, आर कितना दे रखा था 4%, क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेम टाइम पर हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन में 100 की पावर टी, कितना है हमारे पास 2 ईयर्स। तो ये इतना क्लियर है, ये क्या था हमारा 1000 था, 1000 ये इसका एलसीएम ले लेंगे 104 अपॉन 100, और ये 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। 0 से ये दोनों 0 गए, इस 0 से ये वाला 0 गया, क्या बचा हमारा 104 मल्टीप्लाई में 104 अपॉन 10। ओके इतना क्लियर है। अब 104 और 104 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आप चलिए करिए, तब तक मैं अपना मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, 104 और 104 का मल्टीप्लाई करने पर 10816 आ रहा है हमारा, 10816। तो हम यहाँ पे पुट डाउन कर लेते हैं 10816 अपॉन 10, 10 है यहाँ डिवाइड चला जाएगा 10 का 1.06, तो हमारा अमाउंट आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसमें सी आई फाइंड करना है। अमाउंट भी हमारा फाइंड हो गया, सी आई का क्या फॉर्मूला होता है, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। तो हम मैं यहाँ फाइंड कर दे रही हूँ सी आई इक्वल टू ए माइनस पी, ए क्या है हमारा 1081.6 माइनस पी कितना है 1000, तो 81.6 का आ गया हमारा सी आई। क्लियर है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 80 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% के हिसाब से 2 साल के लिए 80 रुपीज है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। तो एट द सेम हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम प्रिंसिपल की और अमाउंट की इन सब चीज़ों की जरूरत होगी। देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। जब हमारे पास ऐसा ही है तो ऐसा ही के फॉर्मूले से हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल जब हमारा फाइंड हो जाता है तो प्रिंसिपल के हेल्प से हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, जब हमारा अमाउंट भी आ जाता है तो हम सी आई तो निकाल ही लेंगे। डेट्स क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं सब बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो स्किल लर्निंग से फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, कृपया करके वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड अदर हैं तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 रुपीज। हमें डिफरेंस फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बिटवीन, क्या फाइंड करना है डिफरेंस। डिफरेंस के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं, डिफरेंस क्या होता है, माइनस, डिफरेंस होता है हमारा माइनस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें क्या फाइंड करना है, सी आई एंड एस आई के बिटवीन डिफरेंस यानी कि माइनस। ऑन 8000 रुपीज एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, किसके ऊपर फाइंड करना है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है 8000 रुपीज। हमारा पी क्या है,
8,000 rupees. एट 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही बता दिया गया है, जो परसेंटेज में होता है वो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. फॉर 2 ईयर्स टाइम क्या दे रखा है हमें, 2 ईयर्स. हमें सी आई और एस आई के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है. आपको पी दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, आपको सब कुछ दिया हुआ है. इन दोनों के बीच में आपको माइनस करके यानी कि डिफरेंस निकालना है. तो सबसे पहले हम सी आई फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले हम सी आई फाइंड करेंगे, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी फाइंड कर लेते हैं. हम सबसे पहले एस आई फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा आसान होता है. एस आई का फॉर्मूला होता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पी की वैल्यू है 8,000, आर की है 15%, टी की है 2 ईयर्स अपॉन 100. 0 से 0 गया और 15 2 30 मल्टीप्लाई बाई 80 8 3 24 00. ऐसा ही हमारा फाइंड हो गया ऐसा इक्वल टू 24 00. ऐसा ही हमारा फाइंड हो गया ऐसा इक्वल टू 24 00 रुपीज या समथिंग रुपीज ही है. हमने जब इस क्वेश्चन में ऐसा ही फाइंड कर लिया तो अब हमें क्या चाहिए, सी आई चाहिए. तो हम सी आई फाइंड कर लेते हैं. सी आई का फॉर्मूला भी आप सभी को पता है क्या होता है, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी होता है. क्या होता है, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी. पी तो आप पर है, ए नहीं है. तो आप सबसे पहले ए फाइंड कर लीजिए. ए का फॉर्मूला होता है पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी. पी की वैल्यू है हमारे पास 8,000, वन प्लस आर की वैल्यू हमारे पास 15 अपॉन 100 की पावर टी क्या है हमारे पास 2 है. 8,000 मल्टीप्लाई बाई इसका एलसीएम ले लेंगे, 115 आ जाएगा अपॉन 100. यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख देते हैं इसे. 00 से 00 गया, 0 से 0 गया. क्या बचा आपका, 8 मल्टीप्लाई बाई 115 अपॉन 10. आपका ये बचा है सिर्फ. आपका क्या बचा है, इन सब का मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा, आता है, आप भी मल्टीप्लाई कीजिए, 115 में हम 115 का मल्टीप्लाई करेंगे और देन 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 105800 आता है. क्या आता है, 105800 अपॉन में 10 है, 10 के डिवाइड दे देंगे तो 105800 हो जाएगा. ओके, इतना क्लियर है. आपका भी अमाउंट आया है, आपका सिर्फ अभी क्या है, अमाउंट आया है, आपका सी आई नहीं आया है. तो सी आई अब आप निकाल लीजिए. सी आई इक्वल टू ए माइनस पी होता है आपका, तो सी आई इक्वल टू ए माइनस पी कर दीजिए आप यहाँ पर. अमाउंट आपका कितना है, 105800 और प्रिंसिपल 8,000 है. माइनस कर लीजिए, 2580 आ जाएगा आपका. माइनस करने पे क्या आता है आपका, 2580. ओके, माइनस करने पर आपका 2580 आता है. तो आपका सी आई भी है 2580 और एस आई भी है आपका 2400. अब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ. कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ कर देती हूँ, बीचों बीच में आप लोग समझ जाना. सी आई माइनस एस आई, सी आई हमारा कितना था 2580 और एस आई कितना था 2400. माइनस करके क्या आएगा, 180. ओके, तो हमारा सी आई और एस आई के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल गिविन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें गिविन था, टाइम भी हमें गिविन था. तो हमें सी आई और एस आई के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना था तो हमने सबसे पहले एस आई फाइंड कर लिया. एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पी की जगह हमने पी की वैल्यू, आर की जगह आर की एंड टी की जगह टी की वैल्यू रख दी. देन हमने एस आई फाइंड कर लिया. फिर हम सी आई फाइंड करेंगे. सी आई का फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस पी. सी आई का फॉर्मूला हमारा ए माइनस पी होता है. तो सबसे पहले हमें ए फाइंड करना था. ए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी.
टी की वैल्यू आपके पास है 8000, आपने आप पुट कर दी ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू आपके पास 15 है अपॉन 100 की पावर 2। आपने इसका सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद आपका आता है 10580 आपका अमाउंट आता है। आपका अमाउंट फाइंड हो गया, देन आपको सी आई फाइंड करना है। सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, ए आपके पास आ गया है, पी आपको गिवन था ऑलरेडी, तो आपका माइनस करके आया है समथिंग रुपीज में आएगा ये। सी आई माइनस ऐसा ही आप निकाल लेंगे 2580 माइनस 2400, देन हमारा आ गया 180 रुपीज। तो सी आई और एस आई के बिटवीन डिफरेंस आ गया आपका 180 रुपीज। थर्ड आपका ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो मैं एक और बार आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आज आपकी एक्सरसाइज 9 मैंने कंप्लीट करा दी है। अब आपकी वीडियोस जो होंगे कंटिन्यू आएंगे, अब कोई गैप नहीं होगा वीडियोस में। एक बहुत लंबा ड्यूरेशन का गैप हो गया था, लगभग 1 मंथ, बट अब आपके कंटिन्यू होगा जो भी है। तो आप अब इस चैनल पे बने रहिएगा कंटिन्यू, और आप डेली अपडेट लेते रहिएगा, क्योंकि अगर आपको अपडेट तभी मिलेगा इस चैनल से जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देन आप बेल आइकन यानी कि नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करने के बाद भी आप ऑल नोटिफिकेशन और समथिंग तीन ऑप्शंस आते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे ना तभी आपके पास सारे नोटिफिकेशन आएंगे, वरना ओकेशनल जो नोटिफिकेशन होते हैं वही आएंगे। तो आप उसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा, और आपको कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल लर्निंग, थैंक यू सो मच।